लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यस के भीतर अपन हमें क्या पढ़ सकते हैं ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म, वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म। ध्यान दो कि हमारे क्वेश्चन देखो हुन्छ त्यो क्वेश्चन में समझ पर ध्यान दो राम रे अभिषेक क्वेश्चन जो देखो हमारे तो क्वेश्चन में यक्स र वाई संगसंगे देखो न सुत्न भाई क्लास में है अंतर हमी पर्च भेरिएबल पे सेपरेट कर अभी मात्र इंटिग्रेशन करने ठीक है अलग यहाँ बार क्वेश्चन योग सोच यहाँ बार हिसाब भाई थ्योरी धेरे सोच्छ के सोच्छ व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म तो पहले इसके बारे में कहीं लेख लेख तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई कूड कूड ऑल्सो बी रिटेन रिटेन एज ध्यान दियो पहला लेख डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय वाई को फॉर्म है ना तो वेयर द वेरिएबल्स नॉट सेपरेटेड, वेरिएबल नॉट सेपरेटेड ये पहले लेख यक्स इज फंक्शन ऑफ, यक्स इज फंक्शन ऑफ यक्स एलोन एंड वाई इज फंक्शन ऑफ वाई एलोन। अब ध्यान दो एक ध्यान दो सब जाना एक ध्यान दो नहीं करने हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन बने को डेरिवेटिव को फॉर्म में हो डी वाई बाई डी एक्स यफ एक्स वाई बने को हम जो फंक्शन हो फंक्शन में नहीं एक्स भी हो वाई भी हो एक्स भी हो वाई भी हो ठीक है तो अब तो हमी इसी क्वेश्चन भेट्स डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई अब इसको डेरिवेटिव तो इंटिग्रेशन कसरी करने एंटी डेरिवेटिव ठीक है तो यह क्या याद रखने एक्स जैसे एक्स को फंक्शन हो वाई वाई को फंक्शन हो तो पैला हम एक्स तो एक्स को रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर वाई लाई वाई के रिस्पेक्ट में सरी एंटी डेरिवेटिव कर ठीक है तो पैला हमें के एक्स डीएक्स को मल्टिप्लाई बने एक्स डीएक्स अनि वाई डुआई को मल्टिप्लाई वाई डुआई भर गए ना अब भेरिएबल सेपरेटेड है हम एक्स वाला एक्सेसंग वाई वाला वाईसंग मतलब वेयर भेरिएबल्स आर सेपरेटेड, भेरिएबल के सेपरेटेड भेरिएबल्स आर सेपरेटेड है ना। अब इसको इंटिग्रेशन करने है ना तो इसी हमी ये इक्वेशन इसी भाई अब इसको एंटी डेरिवेटिव कर सकते ध्यान दू पहला भेरिएबल को सेपरेशन कर सकने एक्स वाला एक ठाव वाई वाला एक ठाव त्यति गरिसक्यो भने इंटिग्रेटिंग बोथ साइड के गर्ने इंटिग्रेटिंग के गर्ने इंटिग्रेटिंग बोथ साइड ध्यान दियो त्यसै भए एक्स डीएक्स को इंटिग्रेशन बराबर वाई डीवाई को इंटिग्रेशन एक्स को पावर में कहीं छैन तो वन छ नि एक्स को हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई टू हुन्छ हुँदैन इक्वल टू वाई को वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी यो बुझे बुझे न एक्स को पावर में वन छ कहीं छैन भने तो एक्स को पावर में एन प्लस वन हुन्छ नि तो वन प्लस वन टू तल पनि वन प्लस वन टू तो यसरी ध्यान दिने रिजन में लिखा हुन्छ एक्स को पावर एन भयो भने हाम्रो एक्स को पावर में एन प्लस वन तल पनि एन प्लस वन यस्तो हुन्छ हुँदैन ध्यान दियो प्लस सी ल गर त यो चैप्टर बाट कमती में तीनटा क्वेश्चन सोध्न सक्छ एग्जाम में ध्यान दिनु यो एक्सरसाइज बाट हैन यो पूरे चैप्टर बाट डिफरेंशियल इक्वेशन धेरै इंपोर्टेंट टपिक हो डिफरेंशियल इक्वेशन बाट बीएससी एग्जाम में पनि र इंजीनियरिंग को फर्स्ट सेमेस्टर में पनि कमती में पनि एक दुटा टपिक बाट क्वेश्चन आउँछ किनभने डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम यहाँ पढ़् इंजीनियरिंग को फर्स्ट सेमेस्टर में पनि चैप्टर हुन्छ डिफरेंशियल इक्वेशन त्यहाँ पनि भेरिएबल सेपरेशन फर्म पढ्नै पर्छ त्यहाँ होमोजिनियस इक्वेशन पढ्नु पर्छ चाहे तिमी इंजीनियरिंग को फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ चाहे बीएससी कर प्योर जनरल ग्रुप या फिजिक्स र म्याथ पढाइ हुन्छ हैन त्यसैले ध्यान दिनु बुझेछौ नि यहाँ जुन पढाउँछु बेस यदि स्ट्रङ छ भने अगाडि बढ्न कोही रोक्दैन आ यदि बाबु बेस जान्छ चाटिङमा त समस्या हुन्छ हैन अभिषेक ठाउँको दुख्दैछ त्यो चाहिँ कहिले कहीँ हुन्छ अब यसो हुन्छ कि भाइ अब कहिले स्कुल जाँदैन कहिले कहीँ ट्युसनमा त पढ्नुपर्छ त अलिकति ठाउँको दुखिहाल्छ केही छैन बन्धनको सङ्गतले ठाउँको दुख्दै होला
उसको से 2 दिन आओ से 1 दिन आ देना। आज भोलि फार्मेसी पनि गर्छ, साइन्स पनि गर्छ, सबै काम तिमीले गर्छ त बाँकी जनता के गर्छ रे? गाह्रो छ। चल यहाँसम्म भयो। एक्जाममा तिम्रो क्वेसन कसरी आउँछ, हाउ व्हाट इज डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ भेरिएबल सेपरेटर फर्म एन्ड हाउ टु सोल्भ इट। त्यो लेख्ने यस्तो इक्वेसनलाई भेरिएबल सेपरेसन फर्म भन्छ, जसमा भेरिएबलको सेपरेटेड छैन, भेरिएबल सेपरेटेड गर्ने अनि इन्टिग्रेसन गर्ने, यहाँसम्म लेख्नुपर्छ। ध्यान दिउँ, गरिदिन्छु, ध्यान दियो। क्वेसन्स नम्बर 1 छ हाम्रो, dy by dx equal to x by y। क्वेसन्स नम्बर 2 छ x dx। तिमीहरू सबै क्वेसन नसाएर म पालो पालो गरिदिन्छु। 3 छ dy by dx equal to x square plus 1 by y square plus 1 छ। 4 आफै गर्ने। 5 क्वेसन छ 1 plus x square dy by dx। गफ नगर, सुन्दैछु यता, गफ नगर क्लासमा। क्वेसन्स नम्बर 6 dy by dx equal to e to the power x plus 1, तलमा छ y। क्वेसन्स नम्बर 7 छ, क्वेसन्स नम्बर 7 नगर्ने, तिम्रो आफै गर्ने, सबै गर्दिनँ होइन। 8 छ अन्डर रुट 1 माइनस x स्क्वायर dy प्लस अन्डर रुट 1 माइनस y स्क्वायर dx इक्वल टु 0। ल ध्यान दिउँ, यदि क्वेसन गरिदिन्छ त्यो टपिक सक्दैन रे। चल ध्यान दिउँ, सक्छ नि टपिक, ध्यान दिउँ। 15 क्वेसन मैले 8 गरिदिन्छु, ध्यान दिउँ। 1 सल्युसन ध्यान दिउँ, सबैजना ध्यान दिउँ राम्ररी। dy by dx जुन अहिले भर्खर इक्जाम्पलमा गरिदिएको थिएँ, सेम क्वेसन छ नि, इक्वल टु x by y। अब यसको इन्टिग्रेसन गर्न त सक्दैन मान्छे, किनभने भेरिएबलको सेपरेसन भएको छैन। त पहिला के गर्ने, यक्सवालालाई यक्सवालाको नजिक राख्ने, वाईवालालाई वाईवालाको नजिक राख्ने, ठिक छ नि? आफ्नो आफ्नो किन हाँसमा हाँस्ने कुरा के छ भन् त, जहिले बाबु आफ्नो मान्छे आफ्नो नजिक हुँदैन रे। त्यसैले त भन्छु होइन, जब राख्नुपर्छ, हुँदैन त्यसैले भन्छु राख्नुपर्छ नि, है, नजिक हुनुपर्छ, आफ्नो भेरिएबल आफ्नो नजिक राख्नुपर्छ। त विषयमा हाँस्न थाल्छ, बग्ने राखेँ यो, है ध्यान दे होइन। वाई डिवाई भयो नि, मल्टिप्लाई गर, वाई डिवाई भयो इक्वल टु एक्स डिएक्स भयो कि भएन? अब ध्यान दियो, वाईवाला वाईसँग छ, यक्सवाला यक्ससँग छ, ठिक छ नि? अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड, इन्टिग्रेटिङ के गर्ने अब, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड। अब ध्यान दियो, त्यो बोथ साइड इन्टिग्रेटिङ ध्यान दियो, वाई डिवाई इक्वल टु एक्स डिएक्स भइदियो, त यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, वाईको पावरमा के छ त 1 छ, त के हुन्छ, यन प्लस 1, पावरमा 1 प्लस जोड्नुपर्छ, पावरमा 1 जोड्नुपर्छ, इक्वल टु एक्सको पावरमा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस सी भयो आन्सर, भयो भएन? कति भयो यो वाई स्क्वायर, यो 1/2 भइदियो। अब ध्यान दियो त, एक्स स्क्वायर 2 आ कन्स्टान्टमा तिमी सी लेख, सी 2 लेख, 5 6 7 जे लेख्नु छ त्यो लेख। यहाँ 2 काट्नलाई मैले सी 2 लेख्न सक्छु नि मजाले, कन्स्टान्ट हो जे लेख होइन, 2 किन लेख्यो भने नि तलको 2 काटिदिन्छु, बुझ्यो? अभिषेक नसुत्नु है यहाँ, यति इम्पोर्टेन्ट टपिक उयो थाहा छ है, ध्यान दियो। यक्स अब ध्यान दियो, कति बच्छ हाम्रो, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस सी 2, 2 चट भइहाल्यो, कति बच्यो, वाई स्क्वायर इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस सी भयो आन्सर, यो पनि आन्सर हुनसक्छ। हँ ध्यान दियो, यति भन्छ भने यति गर न त यतिसम्म छोडिदिनु। अब ध्यान दियो, यति गरेपछि नि वाईको पावरमा 2/2, अब ध्यान दियो, यति पनि गर्न सक्छौ, वाईको पावरमा 1+1 2, तलमा 2 इक्वल टु एक्सको पावरमा 1+1 2, तलमा 2 प्लस सी, यो पनि आन्सर भइहाल्यो होइन? तिमीहरूको आन्सरमा मतलब डिफ्रेन्सियल इक्वेसनमा नि तरिका ठिक हुनु पऱ्यो, आन्सर डिफ्रेन्ट किसिमको हुनसक्छ, ठिक छ? भयो, लेखियो कुन 1/2, अरे यो तलको 1+1 2, यो तलको माथिको 1, यो तलको 2 गरिदिए, त्यति मात्र हो, गर त। ल ध्यान सबैमा आमा ध्यान दिनु, क्वेसन के छ, एक्स डिएक्स प्लस वाई डिवाई छ, इक्वल टु 0 छ नि रे सल्युसन, अलरेडी भेरिएबल सेपरेटेड छ नि, यक्ससँग यक्स वाईसँग वाई, त के हुन्छ, एक्स डिएक्स प्लस वाई डिवाई इक्वल टु 0 लेखिदिने, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग के हुन्छ बोथ साइड कर दिने त बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिन्छ त एक्स डीएक्स भइ दियो अच्छा लाइन गयो ल वाई डीवाई इक्वल टू जीरो कति भइ दियो एक्स को भनेको एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स को एक्स स्क्वायर बाई टू वाई डीवाई को वाई स्क्वायर बाई टू अनि इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेशन सी हुन्छ हुन्छ हुँदैन अब जीरो को सी कसरी भयो थाहा छ इंटीग्रेशन भनेको के हुन्छ बाग बगनारा डेरिवेटिव को उल्टा हुन्छ हुँदैन त कन्स्टान्ट को डेरिवेटिव जीरो त जीरो को एन्टी डेरिवेटिव कन्स्टान्ट बुझ्यो ठीक छ त जे मुखमा चाहिँ त्यही भनिदिन्छौ चल ध्यान दे क्वेशन नंबर तीन में ध्यान दियो हेर 2076 में यो क्वेश्चन आको थियो यो जुन दुईटा पढाए नि यो सब एग्जाम में आउँदैन यो सही क्वेश्चन यो दिए किन दिमाग खराब हो ध्यान देव dy by dx equal to x square plus 1 तलामा y square plus 1 हुन्छ त कति भयो दियो सोलुसन dy by dx equal to x square plus 1 by y square plus 1 अब ध्यान दियो यहाँ त भेरिएबल को सेपरेसन गर्नु पर्छ पर्दैन अब ध्यान दियो त कसरी गर्छौ त यो y square plus 1 यता राख्दिने हैन अब ध्यान दियो y square plus 1 भयो दियो dy भयो दियो equal to एक्स स्क्वायर प्लस वन भइदियो डिएक्स भइदियो यसरी पढ्ने गर्न सकिन्छ नि मजाले कि सकिँदैन अब हेर यति भयो भने अब सिम्पल भइहाल्दैन हामीलाई वाई स्क्वायर डिवाई भइदियो प्लस वन इन्टु डिवाई डिवाई भइदियो एक्स स्क्वायर डिएक्स भइदियो वन इन्टु डिएक्स प्लस डिएक्स भइदियो यति हुन्छ हुँदैन यो बुझ्यो यो बुझेन हौ वाई स्क्वायर डिवाई मल्टिप्लाई गरे वन लाई डिवाई तो डिवाई भयो यो इक्वल टू भइहाल्यो एक्स स्क्वायर को डिएक्स सँग प्लस वन को डिएक्स सँग डिएक्स ठीक छ अब हेर वाई वाला वाई सँग छ एक्स वाला एक्स सँग छ त अब के गर्ने इन्टिग्रेसन त पहिला क्वेशन लेखिदियो वाई स्क्वायर डिवाई प्लस डिवाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिएक्स प्लस डिएक्स त के गर्ने इन्टिग्रेटिङ के गर्ने रे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अब द्वितीय से हमें के कर इंटीग्रेशन करूर्च ध्यान दौ वाई स्क्वायर डीवाई प्लस डीवाई को इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस डीएक्स को इंटीग्रेशन होना वाई स्क्वायर से मतलब वाई को पावर में टू प्लस वन तरह टू प्लस वन डीवाई को वाई होक्स को पावर स्क्वायर से मैंने पावर में वन एड करने तरह टू प्लस वन डीएक्स को एक्स प्लस सी लेख यहाँसम्म भयो चल ध्यान देव यहाँसम्म भयो भने अब हाम्रो एउटा कुन क्वेशन गर्ने हैन फाइव नंबर ध्यान दियो ल फाइव नंबर में के छ वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू वन छ नि सोलुसन ध्यान दियो भेरिएबल को के गर्नु पर्यो सेपरेटेड गर्नु पर्यो तो ध्यान दियो वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई डीएक्स उता लिएर गइदिन्छु डीएक्स भइदिन्छ नि वनसँग मल्टिप्लाई हुँदा डीएक्सै हुन्छ अब ध्यान दियो यता डीवाई छोडिदिए उता डीएक्स यो तल गरिदिए वन प्लस एक्स स्क्वायर अब ध्यान दियो वाईवाला एक्लै छ डीएक्स र वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्सवाला भिन्ने वाईवाला भिन्ने मतलब भेरिएबल के छ सेपरेटेड छ नि त के गर्ने इन्टिग्रेसन बोथ साइड इन्टिग्रेसन के गर्ने बोथ साइड इंटीग्रेशन करने बोथ साइड तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाय लो ठीक छ इंटीग्रेशन बोथ साइड डी वाई को इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ डीएक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर होतेन तो डीवाई को इंटीग्रेशन के वाई होक्वल टू अब हेर यह तिम्रो डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन को वन को स्क्वायर होर वाई इक्वल टू डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्म में कंस्टेंट स्क्वायर के वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी तो वन बाई ए भनेको वनै छ टेन इन्भर्स एक्स बाई ए ए भनेको वन प्लस सी हुन्छ हुँदैन त
तो कति भैया वाई इक्वल टू वन बाई वन वन हो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भैग भाई न डीवाई को इंटीग्रेशन कर दिने डीएक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर दिने डीवाई को वाई हो तस्ते डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बने वन को स्क्वायर पी हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फॉर्म में के होता वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए बने वन प्लस सी कर दिए सीम्पल थी। अब एउटा क्वेश्चन हेर सिक्स नंबर को यता के छ डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन तल में के वाई कि छैन। अब ध्यान दियो पहिला के गर्नु पर्यो हामीलाई अहिले नलेख ध्यान दियो पहिला के गर्नु पर्यो भेरिएबल को सेपरेशन तो वाई र डीवाई मल्टिप्लाई गर्दिने इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन अनि डीएक्स बुझे बुझे न ध्यान दिने। अब वाई डीवाई अर लेख एरो लेख जे जे लेख तिम्रो काम हो अर एरो लेख्ने ई टू दी पावर एक्स डीएक्स मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस वन इंटू डीएक्स बने डीएक्स। अब है इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ध्यान दू वाई डीवाई अब यहाँ ई टू दी पावर एक्स डीएक्स को इंटीग्रेशन डीएक्स को इंटीग्रेशन यहाँ समय लिखा था ल ध्यान दियो यदि कर सके वाई को इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेशन ते हो प्लस डीएक्स को एक्स आ प्लस सी हो तो और कति भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू टू उता मल्टिप्लाई कर दियो टू इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस यो टू फिर एक्स प्लस टू सी ये आंसर भैया हम लोग भैन ये बुझे न ध्यान दू इसको वाई डीवाई को इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय टू ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स प्लस डीएक्स को एक्स आ प्लस सी कर दिए वाई स्क्वायर यो टू उ मल्टिप्लाई कर दिए पूरे में टू इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू सी ठीक क्वेश्चन्स नंबर एट में तिम्रो ध्यान देव अंडर रुट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई प्लस अंडर रुट वन माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू जीरो ये एक्स वाला फंक्शन संग वाई वाई वाला फंक्शन संग एक्स यो कर मिले ध्यान दिने सोलूसन। अब के ध्यान दिता अंडर रुट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई इक्वल टू माइनस अंडर रुट वन माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स ये करना मिले मिलते हैं। अब ध्यान दू यो डीवाई ठीक है यो वाई वाला फंड तल लिया हाल वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ठीक है डीएक्स ठीक है एक्स वाला फंड तल झार दियो कति भयो वन माइनस एक्स स्क्वायर भैग भैन। अब ध्यान दिए तिमी और लेक्स में लिखी हालने डीवाई बाय अंडर रुट वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होन वन को स्क्वायर बुझे इक्वल टू माइनस डीएक्स बाय अंडर रुट वन को स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन को स्क्वायर पी हो ठीक है। अब ध्यान दू सब जाना था होला कि डीएक्स बाय अंडर रुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी हो फर्मुला में यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भे लग लगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भे लग लगे तर अगाड़ी में तो कंस्टेंट को स्क्वायर छ तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी फर्मुला थी तो थे नरे चल ध्यान दे भाई तो इसको ए को ठाव तो वन साइन इनवर्स एक्स बाय ए बने वाई बाय ए बने वन य माइनस साइन इनवर्स
यक्स बाय ए हुन्छ, यक्सको ठाउँमा यक्स, एको ठाउँमा वन छ, प्लस सी भयो भएन, बुझेछौ नि? अर ध्यान देऊ, साइन इनभर्स वाई इक्वल टू साइन इनभर्स यक्स प्लस सी हुन्छ, अगाडि माइनस छ, बुझ्यौ नि? अब ध्यान दिनु, अर साइन इनभर्स वाई, यो माइनस साइन इनभर्स एक्स यता ल्याइहाल, के हुन्छ? साइन इनभर्स एक्स इक्वल टू सी, यति हुन्छ, हुँदैन? कसमा इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि ध्यान देऊ, आफ्टर इन्टिग्रेसन ध्यान देऊ, आफ्टर एकैचोटि इन्टिग्रेसन गरेर लेखिदिए, आफ्टर इन्टिग्रेसन ध्यान देऊ, इन्टिग्रेसन गरेँ अनि ड्याटी लेखिदिए, बुझ्यो नि? अब ध्यान देऊ, यहाँसम्म त पुग्यो नि, तर इक्जामिनरले जब कपी चेक गर्नु गर्नुहुन्छ नि, तब ध्यान दिन्छ कि विद्यार्थीले नलेज कहाँसम्म छ, विद्यार्थीले नलेज कहाँसम्म छ, त यहाँसम्म छोड्दा पनि तिम्रो आन्सर आउनु हुँदैन, ठिकै हुन्छ, तर एउटा फर्मुला तिमीहरू इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन क्लास इलेभेनमा पढेको हुनसक्छौ, के थियो भने साइन इनभर्स यक्स प्लस साइन इनभर्स वाई भयो भने के हुन्छ, साइन इनभर्स यक्स अन्डर रुट वान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अन्डर रुट वान माइनस यक्स स्क्वायर हुन्छ, हुन्छ हुँदैन? फर्मुला याद गरौँ, यस्तो एउटा फर्मुला हुन्छ, बुझ्यो नि? यसको ठाउँमा तिमी त्यो पनि लेख्न सक्छौ कि साइन इनभर्स यक्स अन्डर रुट वान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अन्डर रुट वान माइनस एक्स स्क्वायर, न त यति छोडे पनि कुनै फरक पर्दैन, ल ध्यान दिउँ, लेख त यहाँसम्म, यदि एन्सरै मिलाउनु छ भने ध्यान दिउँ, एन्सर मिलाउनु छ भने मैले भर्खरै के भने, तिमी यसको फर्मुला यो हुन्छ भने नि, एकैछिन ध्यान देऊ, जब मैले यो भने यसको फर्मुला यो हुन्छ, अब ध्यान दिउ तिमीहरू, त्यसो भए अर साइन इनभर्स वाई प्लस साइन इनभर्स यक्स भनेको साइन इनभर्स यक्स प्लस साइन इनभर्स वाई हो नि, फर्मुला के हुन्छ, साइन इनभर्स यक्स अन्डर रुट वान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अन्डर रुट वान माइनस यक्स स्क्वायर हो कि होइन, इक्वल टू, यहाँ जुन सी छ नि कन्स्ट्यान्टमा त साइन इनभर्स सी पनि लिनसक्छौ नि त, यो कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा तिमी सी नलेखे पनि साइन इनभर्स सी पनि लेख्न सक्छौ नि, सक्दैनौ? कन्स्ट्यान्टमा तिमी जे पनि लेख्न सक्छौ, किनभने कन्स्ट्यान्ट हो नि त, यहाँ अहिले सिए रहन दियो, यो एन्सर यहाँसम्म हामी गर्छौँ होइन, यहाँसम्म गर्छौँ, सिए रहन दियो, यदि कन्स्ट्यान्टमा हामी साइन इनभर्स सी लेख्छौँ भने यहाँको साइन इनभर्स यहाँको साइन इनभर्स चट गइदियो, कति बच्यो, यक्स अन्डर रुट वान माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अन्डर रुट वान माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, ल बुझ्यो बुझेनौ? त्यसरी अब तिमीहरूको इच्छा प्लस सी लेख्छौ भने यसरी गर्नु, अब कन्स्ट्यान्टमा यदि थाहा छ यसको आन्सर यो हुनेवाला छ, भविष्यको बारेमा सोच्दैछौ भने डाइरेक्टै कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा साइन इनभर्स सी लेख्नु अनि गर्नु, ल क्वेसन्स नम्बर नाइन नम्बरमा ए रुक्रे म गरिदिन्छु, वान प्लस एक्स इन्टु वाई डिएक्स प्लस वान प्लस वाई एक्स डिवाई इक्वल टु जिरो, एउटा यो भयो, 10 नम्बर तिमीहरू गरिहाल्छौ होला, 11 नम्बरको गरिदिन्छु, यक्स डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई माइनस वान इक्वल टु जिरो भइदियो, 12 नम्बरको म गरिदिन्छु होइन, गर्ने त्यही पनि गरिदिन्छु, केही छैन ध्यान देऊ, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु ई टु दि पावर एक्स माइनस वाई प्लस यक्स क्युब ई टु दि पावर माइनस वाई भइदियो होइन, अनि 14 नम्बर गरिदिन्छु एउटा, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु माइनस वान प्लस कस टु वाई बाई वान माइनस कस टु एक्स, यति गरिदिन्छु होइन, हाम्रो क्लास सक्ने टाइम पनि भइहाल्छ अनि च्याप्टर पनि सकिहालौँ, ध्यान दिउँ, क्वेसन्स नम्बर नाइनमा के भन्छ, वान प्लस एक्स इन्टु वाई डिवाई प्लस वान प्लस वाई एक्स डिएक्स इक्वल टु जिरो छ नि, अब ध्यान दिउँ रे चुप न, ध्यान दिँदा प्लस एक्स वाई डिएक्स इक्वल टु उता माइनस वान प्लस वाई एक्स डिवाई होइन, अब ध्यान देऊ, यो डी वान प्लस एक्स डिएक्स छँदैछ नि, यो एक्स तलाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अब भन्दैछु नि माइनस वान प्लस वाई डिवाई छ नि, यो वाई तलाई गर्न मिल्छ, मिल्छ नि, अब ध्यान देऊ तिमीहरू होइन, अर ल ध्यान त मिलिहाल्यो, वान प्लस एक्स बाई एक्स इन्टु डिएक्स भयो इक्वल टु माइनस वान प्लस वाई बाई वाई इन्टु डिवाई भइदियो, भयो कि भएन? अब वान बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स सेपरेट गर्न मिल्छ मिल्दैन, डिएक्स माइनस वान बाई वाई प्लस वाई बाई वाई डिवाई,
भाई भाई ना यो मैटर गरे पछि तीन चार लाइन में आन्सर निस्किहाल्छ। अब यो गरे पछि अलिकति लामो भयो त्यही हो, अलिक लामो जान्छ त केही छैन ध्यान दिने। यो गरेको पनि अलिक एक स्टेपहरू गरेपछि दुई तिन स्टेप आन्सर मिलिहाल्थ्यो। अब ध्यान दियो, हाम्रो वान बाई एक्स डिएक्स प्लस एक्स बाई एक्स डिएक्स भएको भएन इक्वल टु बुझेछ नि मजाले। अरे त अब अर्को स्टेपमा लेख्छु नि डिएक्स, ध्यान दियो, माइनस वान बाई वाई डिवाई माइनस प्लस माइनस वाई बाई वाई डिवाई, यहाँसम्म बुझ्यो बुझेन? त्यसो भए ध्यान दियो, वान बाई एक्स डिएक्स प्लस एक्स बाई एक्स कटिहाल्छ डिएक्स इक्वल टु माइनस वान बाई वाई डिवाई माइनस वाई वाई कटेर डुवा बच्यो नि। अब हेर्ने इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड के गर्ने, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स त के हुन्छ भन त, वान बाई एक्स डिएक्सको इन्टिग्रेसन प्लस डिएक्सको इन्टिग्रेसन इक्वल टु माइनस वान बाई वाई डिवाईको इन्टिग्रेसन, माइनस बाहिर निकालिहाल्यो बुझ्यो नि, अनि माइनस डिवाईको इन्टिग्रेसन, ठिक छ नि बुझेछौ? अब ध्यान दियो, वान बाई एक्सको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, लग एक्स हुन्छ नि, डिएक्सको एक्स माइनस वान बाई वाईको लग वाई हुन्छ, खुलेको हुँदैन, माइनस डिवाईको वाई प्लस सी भएको भएन, पुरै हरबर आउँदैछ के भयो अरे हेन, लग एक्स त्यो माइनस लग वाई त एउटा प्लस लग वाई भइदियो, भएको भएन बुझ्यो नि, प्लस एक्स इक्वल टु अध्ययन प्लस एक्स, यो माइनस वाई पनि यता आउँदा प्लस वाई हुन्छ इक्वल टु सी, बुझ्यो बुझेन? अब ध्यान दियो, लग एक्स प्लस लग वाई मतलब के हुन्छ, लग एक्स वाई यहीँ थियो अरे सुरज, एक्स प्लस वाई इक्वल टु सी यहीँ थियो नि, चल ध्यान दियो, यहीँ फर्मुला खोज्दै थियो कि लग लग सेम हुन्छ नि आ प्लस हुन्छ बिचमा भने लग लेखिदिने त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ एक्स वाई, माइनस भएको भए डिभाइड हुन्थ्यो एक्स बाई वाई, त्यो कुराहरू सिम्पल कुराहरू याद राख्नु ल गर त्यसरी। ध्यान दियो, दुई नम्बरमा ध्यान दियो, एक्स डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई माइनस वान इक्वल टु जिरो छ नि, छ कि छैन? अब हेर्ने एक्स, अब डिएक्स मैले सेम लिइहालेँ भने एक्स डिएक्स हुन्छ प्लस वाई डिएक्स हुन्छ माइनस डिएक्स इक्वल टु जिरो हुन्छ, हुन्छ हुँदैन, त्यो कति भइदियो, एक्स डिएक्स प्लस वाई डिएक्स माइनस डिएक्स इक्वल टु डिएक्स इन्टु जिरो जिरो भइदियो, भएको भएन रे, यहाँ डिवाई छ क्वेसनमा के छ, यहाँ ल डिवाई भइदियो होइन, यहाँ पनि डिवाई भइदिन्छ, यहाँ यतिसम्म बुझेको बुझ्यो नि तिमीहरू? अब ध्यान दिउ, यसरी गए पनि भयो, यो त वान उतारिएर गए पनि कुनै फरक पर्दैन, फर इक्जाम्पलमा ध्यान दिनु जस्तै कि तिमी एक्स डिवाई वाई डिएक्स थियो नि प्लस वाई थियो नि रे इक्वल टु वान उतार्ने बित्तिकै के हुन्छ प्लस भइदिन्छ नि, हुँदैन, त्यो एक्स डिवाई बाई डिएक्स प्लस होइन ज्याटे देख प्लस अनि वाई इन्टु डिएक्स कति हुन्छ, कति हुन्छ अरे वाई डिएक्स, त्यो तलमा गइदियो नि डिएक्स इक्वल टु वान भइदिन्छ नि, बुझेछौ? अब ध्यान दियो, यति गर्छौ अनि फेरि एक्स डिवाई प्लस वाई डिएक्स इक्वल फेरि डिएक्सै हुन्छ हुँदैन, त्यो कुरा सेम छ, ध्यान देऊ, एक्स डिवाई प्लस वाई डिएक्स इक्वल टु डिएक्स भयो होइन, अघि मैले भर्खर भनेको थिएँ एक्स डिवाई प्लस वाई डिएक्स मतलब कसको डेरिभेटिभ हो एक्स वाईको, होइन इक्वल टु डिएक्स भइदियो, बुझ्यो नि? अब के गर्ने, इन्टिग्रेसन बोथ साइड, इन्टिग्रेसन बोथ साइड गरिदिने, इन्टिग्रेसन चाहिँ म बोथ साइड गरिदिन्छौ, यता तिम्रो डेरिभेटिभ अफ एक्स वाई डिएक्स वाईको मतलब त्यो हुन्छ इक्वल टु डिएक्सको इन्टिग्रेसन हुन्छ। अब ध्यान दिउ, जस्तै डिएक्सको एक्स लेख्छु नि डिवाईको वाई लेख्छु नि, त्यो चाहिँ डिएक्स वाई के हुनु पऱ्यो एक्स वाई, यहाँ प्लस सी लेखिदिने होइन, एन्सर भइदियो, बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो नि? अब ध्यान दिउ, म गरिदिन्छु अनि लेख्नु तिमीहरू होइन, यता यो कति नम्बर थियो हाम्रो, एघार नम्बर थियो, चल ध्यान दे, एकचोटि गरिदिन्छु म फोर्टिन नम्बर, त्यसपछि टुवेल्भमा जान्छु, ध्यान दिउ, हँ भइहाल्यो त, हँ अब फोर्टिन नम्बरचोटि हेर त, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु माइनस अगाडिमा कि छैन किताबमा हेर त,
वन प्लस कॉस टू वाई बाय वन माइनस कॉस टू एक्स है ये बने तिम्रो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस कॉस टू वाई कॉस को फर्मुला हो टू कॉस स्क्वायर वाई को वन माइनस कॉस टू एक्स कॉस को फर्मुला हो टू साइन स्क्वायर एक्स को टू टू कटी हाल नहीं बोलते न भाई ध्यान दिने बोल अब डी वाई बाई डी एक्स हाँ अब ध्यान डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कति बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई साइन स्क्वायर एक्स भैद भैन अब ध्यान दू एक दुईटा तरीका है मैं दुईटा तरीका भू ध्यान देव यो तिमी डीवाई भैद नहीं रे कॉस स्क्वायर वाई तल लगन सौ माइनस यो डीएक्स माथि लिएर गइहाल तल में साइन स्क्वायर एक्स बच्च कि बजेन तो वन बाई कॉस स्क्वायर वाई बने सेक स्क्वायर वाई डीवाई ठीक है ये बने माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स ठीक है नी अब के करने इंटीग्रेशन बोथ साइड के कर दिने इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ध्यान दियो सेक स्क्वायर वाई डीवाई को इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस कसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को इंटीग्रेशन अब ध्यान दू सेक स्क्वायर वाई कस को डेरिवेटिव हो टेन स्क्वायर वाई को होनी तो सेक स्क्वायर वाई को एंटी डेरिवेटिव के हो टेन वाई बुझाऊन तस्ते कट एक्स को डेरिवेटिव हो माइनस कसेक स्क्वायर एक्स तस्ते माइनस कसेक स्क्वायर एक्स को एंटी डेरिवेटिव के हो कट एक्स आ प्लस सी भैद ये इसको आंसर भैद लेख यहाँसम बुझियो लेख त क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हेर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स क्यू बी टू दी पावर माइनस वाई अब ध्यान दि अब अपनी हार्ड लगे भाई के होने राशि दिव्य सोलूसन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर वाई तल होते किन ध्यान दे पहिला सबैजना अनि बुझ्छौ ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई भनेको ई टू दी पावर एक्स तलमा हुन्छ नि ई टू दी पावर वाई ध्यान दे प्लस एक्स क्यूब तलमा हुन्छ नि ई टू दी पावर वाई हुन्छ हुँदैन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल ई टू दी पावर वाई तल हुन्छ माथि ई टू दी पावर एक्स यहाँ एक्स क्यूब हुन्छ हुँदैन चल ध्यान देव क्रस मल्टिप्लाई ई टू दी पावर वाई डीवाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स ठीक छ और e टू दी पावर y dy वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स ठीक छ नि अब हैन भेरिएबल सेपरेट छ नि एक्स वाई सँग वाई के गर्ने इंटीग्रेशन के गर्ने बोथ साइड इंटीग्रेशन गर्ने बोथ साइड कति हुन्छ e टू दी पावर y dy इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स को पनि इंटीग्रेशन प्लस एक्स क्यूब को इंटीग्रेशन हुन्छ हुँदैन अब ध्यान दो ई टू दी पावर वाई को सेम को सेम हो ई टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स को सेम को सेम हो प्लस एक्स क्यूब को एक्स को पावर में थ्री प्लस वन फोर तर फोर प्लस थ्री ये होती ये छोड़ दिए भैया ल एंसर में ये लेखने अरुण बड़ी एरेंजिंग सरेंजिंग में जान तिमी के बेकार में है एक्जाम में प्लस माइनस मिस्टेक भो कहीं मार्क कट यहाँसम छोड़ दिने भैया ठीक है आज को लगी ये कर हम एक्सरसाइज 15.2 सको यहाँ बा तिमी थ्री प्लस वन मार्क्स को क्वेश्चन सोच्छ फोर मार्क्स को टोटल क्याल्कुलस 21-22 मार्क्स को क्वेश्चन आँच तो मध्य यह चैप्टर बा थ्री प्लस वन फोर मार्क्स